हेलो एवरीवन, मैं विकास मेल आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एटीएम एकेडमी 2.0 पे। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपका आईटी जैम 2022 या 2021 क्वालिफाइड नहीं हुआ है, फिर भी आप एमएससी कर सकते हो आईटी से, वो कैसे कर सकते हो उसकी हम डिटेल यहाँ इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे, और इस वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा आइडिया हो जाए कैसे हम एमएससी कर सकते हैं आईटी से विदाउट आईटी जैम क्वालिफाइड। ठीक है, अगर आप आईटी जैम क्वालिफाइड नहीं हो तो भी आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हैं उसकी डिटेल हम सारी यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहे हमारे साथ में, हम चलते हैं गूगल पे। ठीक है, तो आपको गूगल पे जाने के बाद आपको डालना होगा आईआईटी गांधीनगर। ठीक है, आईआईटी गांधीनगर यहाँ से डालना होगा, और ये ऑफर करवा रही है ओनली आईआईटी गांधीनगर की ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल। तो यहाँ से देखो पहली साइट से आपको मिल जाएगी आईटी गांधीनगर की। इस साइट्स का मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल करवा दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आईटी गांधीनगर की साइट पे। तो इसका होम पेज यहाँ से ओपन हो जाएगा। जैसे आपका होम पेज ओपन हो जाए तो यहाँ से आई थिंक आपको विजिबल होगा ये। ठीक है, थोड़ा सा मैं जूम भी कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हो ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इसके होम पेज पे एडमिशंस का, इस पे आपको क्लिक करना होगा। एडमिशंस के जैसे ही आपको क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन दिख जाएंगे प्रोग्राम्स का। प्रोग्राम्स पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको थर्ड ऑप्शन दिख जाएगा एमएससी अर्लियर एडमिट एमएससी। ठीक है, ये आपको ऑप्शन यहाँ से दिखेगा और ये साइट यहाँ से ओपन हो जाएगी। अब देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, कैसे आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो 14 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 14 जनवरी से स्टार्ट हो चुका, तो आप फिलअप कर सकते हो अभी जाके। और इसका जो लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहेगी वो आप यहाँ से देख सकते हो 6 मार्च रहेगी, यानी बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा आपके पास, तो आप 6 मार्च से पहले पहले इस फॉर्म को जरूर फिलअप कर दें। इसके बाद यहाँ से लिस्ट आएगी, यानी जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे उनकी भी लिस्ट निकलेगी, उनमें से शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट, तो उनका जो लिस्ट आएगा वो 17 मार्च को आएगा। देखो अनाउंस्ड ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, ठीक है, वो 17 मार्च को आएगा, और फिर उनके बाद उनका इंटरव्यू होगा 21 to 27 मार्च के बीच में। आईटी गांधीनगर उनका इंटरव्यू करवाएगी। ठीक है, और फिर जो फाइनल लिस्ट होगी वो रिजल्ट आएगा 11 अप्रैल को, आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, जिनका सिलेक्शन होगा उनका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक्चुअली में है क्या ये सब कुछ अर्ली एडमिट एमएससी है क्या, यहाँ पे कैसे हम इसमें एडमिशन ले सकते हैं, क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, तो ये सारी डिटेल हम देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका बाउचर दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें कंप्लीट डिटेल इसकी गिवन है यहाँ पे। तो देखो इसकी डिटेल हम देखते हैं, अर्ली एडमिट एमएससी प्रोग्राम 2022-23, आप देख सकते हो यहाँ से आईटी गांधीनगर इनवाइट्स एप्लीकेशंस फॉर एलिजिबल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फॉर फ्रॉम सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट फॉर इट्स अर्लियर एडमिट एमएससी प्रोग्राम बीइंग इन जुलाई 2022। ठीक है, 2022 में, जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो तो बीएससी वालों के लिए क्या रहेगा, कोई भी बीएससी का स्टूडेंट है, बीएससी स्टूडेंट फ्रॉम सिलेक्टेड कॉलेज। अब सिलेक्टेड कॉलेज कौन सी लेते हैं उनका यहाँ पे इन्होंने डिटेल नहीं डाला है, लेकिन इन्होंने बोला है कि सिलेक्टेड कॉलेज हु विल ग्रेजुएट इन द 2022, 2022 में आपका जो ग्रेजुएशन हो रहा है या फिर आपने 2021 में कंप्लीट कर लिया है, एंड आर अमंग द टॉप 5 रैंक होल्डर, टॉप 5 रैंक आपकी होनी चाहिए। ठीक है, यानी आपकी जो कॉलेजेस ये सिलेक्टेड करेंगे उनमें टॉप 5 आपका होना चाहिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और टॉप 10 रैंक होना चाहिए किसके लिए, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, तो ये जो टॉपर्स हैं उनके लिए, इन द डिपार्टमेंट एट द एंड ऑफ देयर प्री फाइनल ईयर एंड फाइनल ईयर। ठीक है, प्री फाइनल का मतलब सेकेंड ईयर तक आपका होना चाहिए, क्योंकि अगर 2022 में कंप्लीट होगा तो अभी आपके पेपर नहीं हुए हैं, दैट मीन्स आपका सेकंड ईयर तक वो काउंट करेंगे, और जिनका 2021 में कंप्लीट हो चुका तो उनका फाइनल तक अकाउंट करेंगे। वो क्या होने चाहिए, टॉपर होने चाहिए अपनी जो भी कॉलेज का डिपार्टमेंट है। ठीक है, अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो तो आपके पास एनआईटी एंड सेलेक्टेड कॉलेज, अब सेलेक्टेड कॉलेज कौन सी है ये इन्होंने डिटेल में नहीं डाला यहाँ पे, हु विल ग्रेजुएट इन 2022 एंड ग्रेजुएटेड इन 2021। ठीक है, या तो वो 2022 में ग्रेजुएट होंगे या 2021 में ऑलरेडी हो चुके हैं, एंड आर द अमंग टू 5 रैंक होल्डर, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले होने चाहिए, टू 5 रैंक होल्डर होने चाहिए, और एससी एसटी के लिए होना टॉप 10 होना चाहिए। ठीक है, वही सेम इनका भी है कि इनका भी प्री फाइनल एंड फाइनल के लिए देखेंगे एलिजिबल रहेंगे।
अगर आपका बीटेक है कहाँ से, आईआईटी से, अगर किसी का बीटेक आईआईटी से चल रहा है, 2022 में कंप्लीट होगा या 2021 में कंप्लीट हो चुका है, उनका ये सीजीपी देखेंगे कि 6.0 से आपका सीजीपी कम नहीं रहना चाहिए एंड ऑफ द थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर, ठीक है। इससे आपके पास क्या रहना है, 0.6 से सीजीपी कम नहीं रहना चाहिए आपका। तो ये तो था आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब यहाँ से देखो सब्जेक्ट किस किस में एमएससी कर सकते हो, केमिस्ट्री में कर सकते हो, फिजिक्स में कर सकते हो, मैथमेटिक्स में कर सकते हो। एक और इन्होंने गिवन है उसका भी हम डिस्कस करेंगे। तो मेन सब्जेक्ट तो ये रहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अब प्रोग्राम आपके पास इसका देखो, यहाँ से देखो जो भी स्टूडेंट यहाँ से एडमिशन लेंगे तो उनको पर मंथ 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। इस प्रोग्राम में पर मंथ 5,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। और स्पेशली इन्होंने मेंशन भी किया है कि ए वैलिड जैम और गेट स्कोर इज नॉट मैंडेटरी। तो वो मैंडेटरी नहीं है, आपके पास है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ना है तो भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको फाइनेंशियली सपोर्ट भी देंगे अगर आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं, ठीक है, और उसको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको 60,000 रुपए का यहाँ से क्या देंगे, ये फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन की लास्ट डेट देख सकते हो यहाँ से, 6 मार्च 2022 होगी। तो यहाँ से इससे पहले पहले फिलअप कर देना, लेकिन पहले ये क्राइटेरिया जरूर देख लेना एक बार आप सारे। अब इसका थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें कुछ सब्जेक्ट और भी है अवेलेबल, ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ से प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे, प्रोग्राम्स, ठीक है। देखो ये हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एक और था इनका प्रोग्राम, अभी हम देखते हैं थोड़ा सा, एक सेकेंड। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, वाउचर हमें देख ही चुके हैं, ठीक है। ये तीन आपके पास है, ठीक है, तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, इनकेस मेन सब्जेक्ट रह जाएंगे जिनमें आपको एडमिशन लेना होगा। तो ये आपके पास नोटिफिकेशन था आईटी गांधीनगर की तरफ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। और आपका क्लास का कोई टॉपर है, कोई भी क्लास का टॉपर है, वो डिपार्टमेंट का टॉपर अगर बन रहा तो उसको भी ये शेयर करें ताकि उन तक भी ये न्यूज पहुंचे और वो आईटी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं विदाउट आईटी जैम क्वालिफिकेशन के, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स ईच एंड एवरी वन।